हेलो गाइस, मैं हूं नितीश मंडी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ अच्छे अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। इस वीडियो में आज हाईलाइट अपडेट है डीसी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज के अपडेट के बारे में, जिनकी रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया गया है। कोरोना वायरस चल रहा है और आप जानते हो वर्ल्ड वाइड में क्या हालत है इस टाइम। अगर इस टाइम पे मूवी रिलीज करी जाए तो मूवी के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा लाभ नहीं होगा, सिर्फ हानि ही हानि होगी। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा रिलीजिंग डेट के बारे में, जो कि चेंज कर दी गई है और डीसी ने ये ऑफिशियली शेड्यूल रिलीज करा है। तो सबसे पहले जो मूवी आ रही है वो है डीसी यूनिवर्स की, वो है वंडर वुमन 2, यानी कि वंडर वुमन 84, जो कि अगस्त 14, 2020 को रिलीज होगी। ये मूवी पहले जून को रिलीज होने वाली थी। उसके बाद जो मूवी आ रही है वो है सुसाइड स्क्वाड। जी हाँ, ये इसका सेकंड पार्ट भी कह सकते हो, रिबूट भी कह सकते हो। ये रिलीज हो रही है अगस्त 6, 2021 को। आप देख सकते हो मैंने डेट भी नीचे मेंशन कर रखी है। उसके बाद जोकर की टाइमलाइन को कंटिन्यूस करेगी बैटमैन, जो कि रिलीज हो रही है अक्टूबर 1, 2021 को, और इस मूवी का मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद अगली मूवी है ब्लैक एडम, जो कि शज़ाम की टाइमलाइन को कंटिन्यूस करेगी और इसका ओरिजिन बताएगी ब्लैक एडम का, जो कि रिलीज होगी दिसंबर 22, 2021 को। फिर उसके बाद अगली मूवी है द फ्लैश, जो कि रिलीज होगी जून 3, 2022 को। तो ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और देन टाइम ट्रेवलिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। फिर अगली मूवी है शज़ाम 2, जो कि नवंबर 4, 2022 को रिलीज होगी। तो ये कंटिन्यूस करेगी ब्लैक एडम की टाइमलाइन को और शज़ाम की। फिर अगली मूवी आ रही है एक्वामैन 2, जो कि एक्वामैन की टाइमलाइन को और फ्लैश की टाइमलाइन को कंटिन्यूस करेगी, जो कि दिसंबर 16, 2022 को रिलीज होगी। फिर अब बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो गाइज, आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए, यहाँ पर ये सारी मूवी पर काम चल रहा है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो कि इसकी टाइमलाइन को कंटिन्यूस करेगी। अब बात करते हैं कुछ एस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले अपडेट आ रहा है जुरासिक वर्ल्ड 3 का। तो एडिटिंग पे काम चल रहा है प्रॉपर, और अभी एक बिहाइंड द सीन इमेज हमें देखने को मिला है, तो गाइज आप देख सकते हो। तो हाँ, ये मूवी भी काफ़ी कमाल की होने वाली है। उसके साथ एक अपडेट आया, लाइव एक्शन मूवी बन रही है वन पंच मैन पर। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि इसका एनिमेशन मैंने देखा है, इसकी एनिमी देखी है, मूवी भी देखी है, बहुत बढ़िया है। एक अपडेट आया कि हमें मिड टाइटन्स प्लैनेट देखने को मिलेगा दी इंटरनल्स मूवी में, और थैनोस का उसमें एक कैमियो भी हो सकता है। उसी के साथ माइकल, जो कि स्कॉर्पियन का कैरेक्टर प्ले करते हैं होमकमिंग में, उन्होंने बोला है कि उन्हें मॉर्बियस और वेनम जैसी मूवी चाहिए सोलो स्कॉर्पियन के ऊपर। HBO मैक्स पर फाइनली नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है और इंडिया का कोई अपडेट नहीं आया, तो जैसे कोई आएगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स अपडेट के बारे में। तो फाइनली द मैंडलोरियन, जिसका सीजन 2 अक्टूबर में रिलीज होगा और सीजन 3 पर काम चल रहा है डिज्नी के अंडर। तो देखते हैं कि सीजन 3 की ऑफिशियली डेट कब आती है। स्कूप, जो कि ऑफिशियली थिएटर में रिलीज होने वाली थी बट अब वो रिलीज नहीं होगी, अब ये मूवी रिलीज होगी वीडियो ऑन डिमांड पर, जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर। करीब $25 इसकी डेट रखी है। देन उसी के बाद हंगर्स गेम का प्रीक्वल कंफर्म हो चुका है और इसके भी 3 पार्ट आएंगे। तो गाइस, मैं सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ उसके प्रीक्वल का। टॉम हॉलैंड ने कंफर्म कर दिया है कि वो थर्ड पार्ट के लिए श्योर नहीं है कि इसकी शूटिंग कब होगी, शायद मे बी इस साल ना हो क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। और देन उसी के साथ वेनम अगले साल रिलीज होगी, जी हाँ, जून में गाइस। और उसी के साथ वेनम का एक छोटा सा उन्होंने अपने स्टोरी पर डाला था, जिसमें कि वो स्पाइडरमैन को खा रहा है। तो गाइज, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है, जो कि उन्होंने हल्के डिलीट भी मार दिया था एक मिनट बाद। देन उसी के साथ ब्लैक विडो का एक बिहाइंड द सीन, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये मूवी डिले हो गई है यार, सब डिले डिले हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो इस साल पता नहीं क्या होगा। देन उसी के साथ एक साइंस फिक्शन कवर लॉन्च हुआ है कॉमिक की तरफ से, जो कि एक वंडर वुमन का है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।